नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं जाने माने अधिवक्ता, सामाजिक, राजनीतिक और दूसरे तमाम जो हमारे आयाम हैं, विषय हैं, उनके एक बहुत ही महीन जानकार विजय सरदाना साहब मेरे साथ हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हम लोग आए हुए हैं जयपुर संजय दीक्षित जी के बुलावे पर, और यहाँ आप जानते हैं कि हर वर्ष दो दिवसीय कॉन्क्लेव होता है जिसमें राष्ट्रवादियों का जमावड़ा होता है। अलग अलग विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा समय चुरा करके हमने सोचा कि हम अलग से भी एक विषय पर चर्चा कर लेते हैं। विजय जी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, बल्कि उस दिन मध्य प्रदेश चले गए, और उसके बाद से लगातार तमाम तरह के कयास हैं, चर्चाएं हैं। उसी दिन शुरू हो गया था ये कयास कि ईडी उनको दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। ईडी ने अभी तक दूसरा नोटिस क्यों नहीं भेजा है? नंबर दो, ईडी के पास ऑप्शन क्या हैं? और नंबर तीन, अरविंद केजरीवाल पहले समन पर क्यों नहीं गए, क्या वजह है? देखिए ओंकार जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, देखिए, जहाँ तक बात है अरविंद केजरीवाल साहब के इस ईडी के बुलावे पे ना जाना, इसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि अगर आप पीएमएलए का जो एक्ट है जिसके तहत इनको बुलावा भेजा गया था, उसके सेक्शन 50 जिसके तहत ये नोटिस इशू हुआ था, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप या आपका प्रतिनिधि, अगर आपको इलेक्शन कैंपेन पे जाना है आप जरूर जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उसी कानून में ये प्रावधान है कि आप अपने वकील को, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे सुनवाई में भेज सकते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि मैं जा रहा हूँ चुनाव में और मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। कानून में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप बिजी हैं, आप बीमार हैं, आप विदेश में हैं, किसी और इमरजेंसी में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते थे। तो एक तो यहाँ पे जिन्होंने भी केजरीवाल साहब को एडवाइस किया या किया तो इन्होंने माना नहीं, ये एक निश्चित रूप से जिसको हम ये बोल सकते हैं कि गैरकानूनी कदम हो गया है केजरीवाल साहब से। दूसरा ये बात कि वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उनको भी पता है कि जो भी आज तक गया है ईडी में, अब ईडी के पास इतने सारे तथ्य हैं कि इसको ना संजय सिंह झुठला सके, ना मनीष सिसोदिया, ना कोई और। और मज़े की बात यह है कि वो सारे तथ्य जब कोर्ट्स में पेश किए गए तो कोर्ट्स ने भी उनका संज्ञान लिया, और यहाँ तक कि ना लोअर कोर्ट ने इनकी बात सुनी, ना हाई कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि हाँ 338 करोड़ का घपला दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास एविडेंसेस हैं वो इतने पुख्ता हैं कि इनका बचना मुश्किल है। अब अगर इन ये बेगुनाह थे, इनको अगर ये पता था कि इनके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि एक ईमानदार आदमी को किसी के बुलावे पे डरना चाहिए, क्योंकि अगर ये जाते और ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो बेल के लिए ऑलवेज अप्लाई कर सकते थे या एंटिसिपेटरी बेल ले सकते थे। अगर इनको इतनी ज़्यादा चिंता थी और इनको ये डर नहीं था कि इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, एक आप एंटिसिपेटरी बेल दे सकते थे। लेकिन ईडी के मामले में जो है वो ये कहा जा रहा है, और क्योंकि जो इस बात को भी हमें समझना होगा कि सर जो पीएमएलए का कानून है वो भारत सरकार की मर्जी से नहीं बना है, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत पूरी दुनिया में ब्लैक मनी और जो करप्शन होता है, जो ड्रग्स होता है, टेररिज्म फंडिंग होती है, इस सब को रोकने के लिए पूरी दुनिया में जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत हर देश को पीएमएलए का कानून बनाना है, ये मजबूरी है, और उसी के तहत ही केजरीवाल साहब को बुलाया गया। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, ये करप्शन का कानून नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो करप्शन से पैसा 338 करोड़ रुपए जनरेट हुआ है वो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि इसमें आपने आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बना लेना चाहिए था, आपने उनको क्यों नहीं बनाया अगर वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी थे। तो मुझे लगता है ये बात आज सामने आ रही है, और केजरीवाल साहब इसी बात से घबरा रहे हैं कि कहीं ईडी के पास ऐसे कागजात ना हो
कि मेरी पोल खुल जाए और मैं जवाब ना दे सकूं और मुझे अरेस्ट होना पड़े। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको घबराहट है, इसलिए उन्होंने वहां से भागना उचित समझा। ये बताइए विजय जी कि ये कहा जा रहा है कि अगर ईडी इनको नोटिस नहीं भेज रही है, समन दूसरा नहीं भेज रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईडी सीधे शीश महल जाने की तैयारी कर रही है और वहाँ इनसे बाकायदा पूछताछ होगी और उसके बाद फिर वही हो सकता है जो आम तौर पर एक समन अगर किसी की कान पर जूं नहीं रेंग रहा है तो दूसरी बार अक्सर ईडी के अफसर जो हैं वो उसके रेजिडेंस पर या उसके संस्थान पर पहुंचते हैं, पूछताछ करते हैं और उसके बाद जो हमने अभी तक देखा है महाराष्ट्र में भी और दूसरी जगहों पर भी कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और गिरफ्तार कर लेती है। क्या ईडी ऐसा कर सकती है? नंबर दो, केजरीवाल के पास अब कौन से ऑप्शन हैं या नहीं हैं? देखिए, कानून बहुत क्लियर है। केजरीवाल साहब ने जो नहीं जाने के बहाने बनाए थे वो कानूनी रूप से कहीं पे भी लॉजिकल नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि आपने नहीं बताया कि मुझे आप क्यों बुला रहे हैं, ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी ने भी, कल को मान लीजिए ईडी के पास कोई इन्वेस्टिगेशन खालिस्तानी आंदोलनकारियों का या खालिस्तानी टेररिस्ट का कोई एंगल चल रहा हो और वहाँ पे किसी खालिस्तानी ने बोल दिया मुझे एक्स वाई जेड ने कहा था या पैसे दिए थे, अब आप उसको क्रॉस वेरीफाई तो करोगे, उस व्यक्ति को बुलाओगे। अब आप उसको ये थोड़ी बुलाओगे कि हम आपको क्यों बुलाए जा रहे हैं, किस लिए बुलाए जा रहे हैं, वो तो पहले ही फरार हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, या वो सबूतों को तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, हो सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन में अगला बेइज्जती से बचने के लिए सुसाइड कर ले कि भाई मैं जा ही नहीं, मैं जिंदा ही नहीं बचा तो अब मेरे लिए क्या कर लोगे। उधर से वो पूरा राष्ट्रद्रोह के खिलाफ जो केस था उसमें डिसरप्शन आया और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड भी कर लिया, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पहली बात तो बताना कोई जरूरी नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का सीएम हूं, उस हैसियत से बुला रहे हो या मेरे को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर से बुला रहे हो। कानून में लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज कॉल्ड फॉर इंक्वायरी। अब पर्सन इंपॉर्टेंट है, वहां एक्सेप्शन नहीं दिया है कि आप सीएम को नहीं बुला सकते, पीएम को नहीं बुला सकते, मंत्री को नहीं बुला सकते या एक्स वाई जेड को नहीं बुला सकते। केजरीवाल साहब अगर भारत के नागरिक हैं जिनके ऊपर ये कानून लागू है, जिसको भी ये समन गया है, उनको पेशी देनी जरूरी है। अगर आप खुद नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजी आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, अपना वकील भेज दीजिए, भाई को भेज दीजिए, बीवी को भेज दीजिए, दोस्त को भेज दीजिए, कोई तो रिप्रेजेंटेटिव भेजिएगा आप जो आपकी बात रख सके। अगर उसके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे तो वो वापस आके कह सकता है कि सर वैसे आपने चार सवाल पूछे, मेरे पास है नहीं, मैं पूछ के बता दूंगा। ये ऑप्शन ऑलवेज, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस तो हमेशा रहता है हर कानून में। तो ये बात हमें समझनी होगी। अब रही बात कि दोबारा ईडी कब समन भेजेगी, देखिए थोड़ा सा उन्होंने जो बहानेबाजी करी है, हो सकता है कि एज ए कंसिडरेशन ईडी गए ठीक है हम आपको एक दूसरा समन भेज रहे हैं, अब आप 10 तारीख को आ जाइए, या ईडी कहेगी ठीक है आप इस तारीख को आ जाइए, फिर ये क्या करेंगे, फिर बहानेबाजी बजाएं, मेरी तो उस तारीख को इलेक्शन रैली थी। तो ईडी उस स्थिति से शायद बचना चाहती है, मुझे लगता है जब ये इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाएंगे, जब ये तो कोई एक ऐसी डेट देख के या दिवाली के बाद या जैसा भी है इनको बुलाएगी, दोबारा एक चांस और देगी। अगर उसके बाद भी ये नहीं आते हैं तो सेक्शन 50 जो पीएमएलए का एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अधिकार सिविल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं वो पूरे अधिकार आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये बार बार बुलाने पर नहीं आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, इनके खिलाफ पुलिस जो है वो जाके अरेस्ट कर सकती है या इवन ईडी जाके इनको अरेस्ट करके ला सकती है, और अरेस्ट करने के बाद इनको जेल में भी रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इंक्वायरी करने के लिए आप पकड़ के लाए, इंक्वायरी करके छोड़ दिया। अगर ये बार बार भागेंगे तो ईडी के पास एक पूरा बहाना है कि साहब ये आदमी फरार हो जाता है, हमें बहुत लंबा केस करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 से 8 महीने में इस केस को ख़त्म करिए, हम कैसे करेंगे अगर ये आदमी रोज़ भाग जाएगा तो, इसलिए हम इसको अरेस्ट करके लाए और अब हम इसको जेल में रखेंगे जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती, और अब कृपया बेल ना दें। क्योंकि इन्होंने हरकतें ऐसी करी हैं कि कोर्ट भी अब इनको बेल देने से कतराएगा कि आदमी फिर फरार हो गया तो क्या करेंगे।
तो मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब ने अपना केस खुद बिगाड़ा है। जो अभी तक कोर्ट की सिंपैथी इनके साथ होगी कि ये लॉ अबाइडिंग है, वो इमेज इनकी अब खराब हो गई। पिछली बार भी जैसा आपको पता है कि रात को फाइलें चोरी करवाना, जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी तो इन्होंने उन्हीं अफसरों को बदला जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उन्हीं फाइलों को चोरी से निकलवाना जो इनकी इनके खिलाफ जिनमें डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये सब कार्रवाई कर करके केजरीवाल साहब ने प्रूव कर दिया है कि इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और किसी तरह से बचना चाहते हैं। अब ईडी के पास कानून में सारे प्रावधान हैं, अब वो कब और कैसे उसका इस्तेमाल करती है ये तो ईडी के ऊपर। ये जो इन्होंने कहा है कि साहब मैं कन्फ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे संदिग्ध की निगाह से देख करके बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर या एक सामान्य नागरिक के तौर पर या गवाह के तौर पर। गवाह बनने का तो इन्होंने कोई प्रस्ताव रखा नहीं है, जैसे तीन और लोगों ने रखा है कि हम सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। तो इस तरह की बातें ये क्यों कर रहे हैं ईडी से? ये बेसिकली पब्लिक पोस्चरिंग है, ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ईडी मेरे को हैरेस करना चाह रही है और मुझे बता नहीं रही कि मुझे क्यों बुलाया है, तो मैं क्यों जाऊं। ये एक पब्लिक पोस्चरिंग है, जबकि कानून में साफ साफ लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज कॉल्ड और गिवन समन टू अटेंड और अपियर फॉर हियरिंग और इंक्वायरी। तो पर्सन में तो आप कुछ भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है, और आप नहीं आ रहे हो तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, पहला मुद्दा ये आ जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब मुझे एज ए गवाह के रूप में बुलाया गया है, आपको हो सकता है कि हमने एज ए जस्ट इंक्वायरी के लिए बुलाया हो, क्योंकि बाकी जो लोग अरेस्टेड हैं उन्होंने आपका नाम लिया, उन्होंने आपका नाम लिया कि साहब हमने केजरीवाल ने हमें कहा था ये जो विजय नायर है ये मेरा खास आदमी है, अब आपसे पूछना चाहते हैं क्या ये सही है या गलत है, हम तो एज ए पर्सन आपको बुला रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मैंने तो कहा नहीं, तो फिर सवाल ये आता है कि जो ईडी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, ईडी इनके कागज सामने रख देगी, जो फेस टाइम की रिकॉर्डिंग होगी मान लीजिए, तब अभी तक तो ये एक्यूज नहीं थे, अब ये एक्यूज बन गए झूठ बोलने से, कि आप देखिए अगर बोल देते कि हाँ मैंने कहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर आप विटनेस थे, अब आप झूठ बोल रहे हैं तो आप एक्यूज हो गए। और हो सकता है कि अगर आपके खिलाफ और भी सबूत हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो कहीं पे आपका रोल एज ए विटनेस भी हो सकता है, कहीं पे आप एक्यूज भी हो सकते हैं, कहीं पे आप पार्टी के कर्ता धरता है तो आपको एज ए कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी भी पूछा जा सकता है, और किसी सवाल पे आपको एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी पूछा जा सकता है। तो एक व्यक्ति अगर चार रोल लेके चलता है तो चार तरह के सवाल हो सकते हैं, तो हम तो आपको चारों के रूप में बुला रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा विचित्र आर्ग्यूमेंट है इनका, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। अब किसने उनको क्या एडवाइस किया है, जिसने भी किया है बहुत गलत एडवाइस किया है। केस की मेरिट पर अगर हम जाएं विजय जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है मनीष सिसोदिया की याचिका पर जो वह जमानत के लिए लेकर के गए थे, उस याचिका से तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, और जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने उसने तो इनको एक तरीके से और नंगा किया है। तो ऐसे में जो केस की अब गंभीरता निकल करके सामने आ रही है, अब तक तो लोग कह रहे थे कि 100 करोड़ की बात है, किसी साउथ की कंपनी से पकड़े हैं या इस तरीके की बातें हैं, लेकिन अब तो एक फिगर आ गई है 338 करोड़ की आ गई है। तो ये केस एक्चुअल में मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, अरविंद केजरीवाल हों, और अभी पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, किस किस तक जाएगा, और कई अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, एक दर्जन के आसपास गिरफ्तार हैं, जिनमें से 3 सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो अगर हम केस की मेरिट पे बात करें तो ये कितना इन लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर जानलेवा साबित होने वाला है? देखिए तीनों मुद्दों के अंदर अगर आप देखें तो सजा 7 साल तक हो सकती है। अगर आपको 7 साल ना भी हो, आधी सजा भी हो जाए, 3.5 साल भी हो जाए, 3 साल भी हो जाए, 2 साल भी हो जाए, तो ये आप मान लीजिए कि जो भी आपके पास अभी पोजीशंस हैं एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे राज्यसभा या विधानसभा, आपको उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का केस हम देख ही चुके हैं। अगर सजा ज़्यादा होती है तो पहली स्थिति तो रिज़ाइन की है, दूसरा जब आप सजा काट के वापस आएंगे जेल से उसके बाद 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते, वो यू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का ये प्रावधान बहुत क्लियर है।
तो मान लीजिए 3 साल की सजा के बाद आज अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सजा घोषित होती है उदाहरण के लिए आज से 3 साल बाद, और उसके फिर 6 साल, तो 9 साल या जो भी सजा है वो उतना प्लस 6 साल, कहने का मतलब ये है कि 6 साल का कहने का पर्पज़ ये है कि आप 2 चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आज अगर एक दिन पहले भी चुनाव से होगा तो 5 साल प्लस 1 साल, तो 2 चुनाव तो आपके चले गए, बाकी रहा पनिशमेंट टाइम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है। तो 2 साल चुनाव नहीं लड़ने का, 2 बार चुनाव नहीं लड़ने का मतलब भारत की राजनीति में होता है कि आप 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। आप कैंपेनिंग कर सकते हो लेकिन आप किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब 10 साल आप सत्ता से बाहर हो एज ए रिमोट कंट्रोल, फिर आप किसको बैठाओगे? लालू जी ने तो अपने बेटों को बैठा दिया, बाकी लोगों ने अपने बेटों को बैठा दिया। हो सकता है केजरीवाल साहब अपने बेटे को तैयार करें चुनाव राजनीति के लिए, बेटी को करें, वाइफ को करें। तो अगर इनको अपनी पकड़ पार्टी में बनाए रखनी है तो घर के लोगों को सामने करना होगा, क्योंकि अब खुद तो आप नहीं लड़ पा रहे हो। तो ये एक राजनीतिक दुविधा है और राजनीतिक सुसाइड भी है एक हिसाब से, कि अच्छा भला इनके पास एक, मैं कहूँगा, जनता का आदेश था, आप आराम से राज कर रहे थे, दुनिया भर का आपके पास स्टेट फंड था, अच्छा आप काम करते, जनता आपको दोबारा जिताती, ये सब घोटालेबाजी करने की ज़रूरत क्या थी? कभी कभी तो ये सोच के ताजुब होता है कि ये सब करने की ज़रूरत क्या थी, किस बात का इतना लालच था या किस कब बुद्धि भ्रष्ट हुई थी इनकी, अब ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो भी हुआ, अब कानून में तो एक बार कहा जाता है ना कि सर वंस यू नो क्राइम और ऑफेंस इज एस्टैब्लिश्ड पनिशमेंट हैज़ टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि अगर आपका पनिशमेंट मिल गया या आपने कोई क्राइम किया वो पकड़ा गया, आपको पनिशमेंट ना मिले, ये कानून व्यवस्था में नहीं होता है। तो जो भी आपने गलतियां करी होंगी उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली जो भी फाइन बनता है या पनिशमेंट मिलता है वो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि कानून की प्रक्रिया या दंड नीति तो यही कहती है। एक और घटना हुई है विजय जी, राघव चड्ढा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जो इनका निलंबन हुआ है राज्यसभा से फर्जी तरीके से 5 सांसदों के सिग्नेचर करने के मामले को लेकर के, और जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत तीखा रिएक्शन उसी समय दे दिया था पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जो देर रात तक वोटिंग और चर्चा चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा है राघव चड्ढा से कि आप जाकर के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफ़ी मांगिए, और उसके बाद वो संवेदनशीलता के साथ आपके केस पर यानी आपके निलंबन को वापस लेने पर चर्चा करेंगे या उस पर विचार करेंगे। ये कितनी कड़ी और बड़ी टिप्पणी है, या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लचीला है इस मामले में, और क्या ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भई आप माफ़ी मांग लीजिए और सभापति जो है फिर सहानुभूतिपूर्वक इस केस का निपटारा करेंगे, वैसा सभापति एक्ट करेंगे ही, क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, फ्रॉड है, 400 BC है कि आसानी से कोई भी सभापति कोई भी स्पीकर ऐसे ही तो उसको समाप्त नहीं करेगा मामले को, उसमें कुछ ना कुछ तो एक्शन वो लेगा। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आते हैं सर। पहला, जब इन्होंने ये घोटाला किया राज्यसभा में फर्जी 5 लोगों के साइन करवा के वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की कोशिश करी, तो मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आई कि यार आप कौन सी दुनिया में हो कि आप 5 लोगों के नाम उनसे बगैर पूछे, प्रावधान दिए हुए हैं सिस्टम में, नहीं है तो आप अपने सीनियर से पूछ लेते। आज आप ये बोल रहे हैं कि हम सबसे जूनियर हैं, हम सबसे यंग MP हैं, हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो सीखना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आप किसी का मर्डर कर दोगे, आपको मेरे को नहीं पता था, इसके बाद जेल होती है, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शुरू से एरोगेंट रवैया अपनाया, पहले गलत काम किया, टेक्निकली क्राइम किया, एक फॉर्जरी करी, क्योंकि फर्जी सिग्नेचर इज़ ए फॉर्जरी, ये गंभीर आरोप है। दूसरा, इन्होंने फिर जाके जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो इन्होंने सिस्टम का मजाक उड़ाया कि ऐसे तो होता नहीं है, ये है, व्हाटएवर, इनकी जो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं में जो एरोगेंस है उसका इन्होंने डिस्प्ले किया। उसके बाद सदन ने ध्वनिमत से या जो भी इनका वोटिंग सिस्टम था उससे इनको पूरा पारित किया कि नहीं, इसको सस्पेंड किया जाए।
ये स्पीकर का फैसला नहीं था या अध्यक्ष का वाइस प्रेसिडेंट का फैसला नहीं था, ये सदन का फैसला था। अब ये मामला चला गया है प्रिविलेजेस कमेटी में। अब सुप्रीम कोर्ट को मैं एक ही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर मेरा एक ही रिएक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सर ये कहना है कि अगर एक बार FIR फाइल हो जाती है तो उसको वापस लेने का अधिकार पुलिस को नहीं है, वो तो फिर कोर्ट ही करेगा। तो जब इनके खिलाफ सदन में एक बार FIR फाइल हो गई और प्रिविलेजेस कमेटी में ये मैटर ऑलरेडी चला गया, तो क्या स्पीकर या प्रिविलेजेस कमेटी को ओवररूल करके बाईपास करके इनका जो सस्पेंशन है विड्रॉ करेंगे? मुझे नहीं लगता वो लॉजिकल है, वो गलत तरीका होगा, क्योंकि उससे आप पूरी संसदीय व्यवस्था को अंडरमाइन कर रहे हैं। प्रिविलेजेस कमेटी में क्योंकि अब इंक्वायरी शुरू हो गई है तो उस इंक्वायरी को कंप्लीट होने देना चाहिए, और जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए और उसमें ये जाके इंक्वायरी कमेटी के आगे माफ़ी मांगे और इंक्वायरी कमेटी अगर ये उनको रिकमेंड करती है अपने राज्यसभा के अध्यक्ष को कि सर ये क्राइम तो साबित हो गया, जो भी उनके फाइंडिंग्स थे ये तो हो गया, साथ ही साथ इन्होंने गलती मान ली है और अपनी माफ़ीनामा भी हमें दे दिया है, तो ये हमारे रिकमेंडेशंस हैं कि इनका ऑलरेडी सस्पेंशन XYZ हो गया है या 2 दिन और या 5 दिन और जो भी करना टोकन करके आप इनका विड्रॉ कर लीजिए, या जो सस्पेंशन फॉर एवर था उसको घटा के आप कुछ और लिमिट कर लीजिए। ये रिकमेंडेशंस कमेटी की तरफ से आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा कि आज राज्यसभा के अध्यक्ष जाके ये कह दें कि ठीक है जो मामला तुमको चल रहा है कमेटी में उसको बंद करो, मैं इसको माफ करता हूं। ये करना, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? मान लीजिए कि अगर लोअर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस में इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मैं सुप्रीम कोर्ट जाके माफी मांग लूं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा लोअर कोर्ट को कि आप इनकी इंक्वायरी बंद कर दीजिए, या पुलिस ऑफिसर्स को बोलेगा आप इंक्वायरी बंद कर दीजिए क्योंकि हमने माफ कर दिया? क्या ये सिस्टम का मर्यादा होगी या उल्लंघन होगा? आज सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, तो सवाल इस बात का है कि अब ये जब माफी मांगेंगे उसके बाद मुझे लगता है कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास भी लीगल ओपिनियन होगी, कानूनी प्रावधान होगा कि किस स्थिति में क्या होना चाहिए, एक्सेप्शनल कंडीशन में शायद मर्सी प्ली का प्रावधान हो, कुछ और हो, या उसमें जो प्रिविलेजेस कमेटी है उसके मेंबर्स को बुला के अध्यक्ष कहें कि भाई इस तरह के माफीनामा आया है, इस पर बताइए आप लोगों का क्या विचार है। तो कमेटी से विचार करके अगर कमेटी कहती है ठीक है सर अगर लेने गलती मान ली है और वो कहता है कि गलती हुई, क्योंकि तो हम तो यही तो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे गलती हुई या नहीं हुई, जब वो खुद कह रहा है गलती हो गई, हमने उसको इतने दिन बाहर रख दिया ऐसे यंग MP, फर्स्ट टाइम MP, व्हाटएवर, लेट अस गिव ए कंसीडर्ड व्यू एंड हैव मर्सी ऑन हिम, तो ये काम हो भी सकता है। लेकिन ये टोटल डिस्क्रिशन है विजडम ऑफ अध्यक्ष राज्यसभा एंड आई फील द कमेटी ऑफ या पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। आपको नहीं लगता है कि पार्लियामेंट को सियासी अखाड़ा बनाने की एक तरह की होड़ भी लगी हुई है? 2014 के बाद से हम ज़्यादा देख रहे हैं कि हर पार्लियामेंट सेशन को डिस्ट्रॉय करने की हर संभव कोशिश और साजिशें रची जाती हैं। कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी BBC की डॉक्यूमेंट्री, कभी कुछ और कभी कुछ। और ये होड़ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ज़्यादा है, उसमें वामपंथी भी कभी कभी शामिल हो जाते हैं। संजय सिंह भी निलंबित हुए क्योंकि 2 बार उन्होंने ऐसी हरकत की थी, एक बार टेबल पर चढ़ कर के जो है वो डांस नुमा कुछ हरकत की थी, एक बार एक डॉक्यूमेंट फाड़ करके फेंक दिया था। राघव चड्ढा का आप देख लीजिए, लोकसभा में भी इनका एक जलंधर उपचुनाव में जो जीत करके आया था उसने स्पीकर को उल्टा सीधा कहा। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में राजनीतिक होड़ पार्लियामेंट के बाहर भी देखी जा सकती है या की जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, और जिस तरीके से हम देखते हैं राहुल गांधी को भी वो जनसभाओं के अंदाज में वहाँ भाषण देते हैं खड़े होकर के, पार्लियामेंट में अगर हम पूरा पार्लियामेंट्री अगर हम हिस्ट्री देखें तो इतने लीजेंड पॉलिटिशियन थे, ऐसे ऐसे पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने बहुत ऊंचे मानदंड स्थापित कर रखे हैं, और वहाँ का एक तरीका होता है कि आप डॉक्यूमेंट के साथ, साक्ष्यों के साथ, तथ्यों के साथ अपना भाषण देते हैं, और अगर स्पीकर आपको निर्देशित करता है तो वो डॉक्यूमेंट आप सदन के पटल पर रख भी देते हैं। लेकिन इधर तो बिल्कुल एकदम अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये जो गिरावट है
जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है कि पार्लियामेंट को भी इरिलीवेंट कर दिया जाए, उसकी भी गरिमा को तार तार किया जाए, या इसके पीछे भी कोई आप राजनीति देख रहे हैं? देखिए, छोटी सोच का नतीजा है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि पार्लियामेंट के बाहर तो हमारे को मीडिया कवरेज नहीं मिलता, लोग हमारे को सुनते नहीं हैं। अगर हम पार्लियामेंट में हंगामा करेंगे तो ये एक न्यूज़ बनती है, न्यूज़ बनती है तो देश के वर्चुअली बड़े छोटे सब अखबारों में कहीं ना कहीं ये छपता है। तो एक तो ये इनकी जो दोनों पार्टीज़ की एक जो डिज़ायर है पब्लिसिटी हंगरी जो हो नहीं पा रहा, इनके पैसे खर्चने के बाद भी लोग इनको सुनने को तैयार नहीं है, तो ये हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग। पार्लियामेंट का साथ भी यही हो रहा है। दूसरा, इनको ये पता है कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर उल्टे सीधे लांछन लगाएंगे तो हमारे ऊपर कोई मानहानी का केस नहीं करेगा, कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय हम पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। तो आप चाहे चौथे पास राजा की कहानी सुनाओ, चाहे आप अडानी के साथ ये चोर है, ये है, वो है, ये कुछ भी आप अंदर बोल सकते हो। ये स्टेटमेंट जो ये लोग अंदर बोलते हैं, ये बाहर जिस दिन बोलेंगे उस दिन मान लीजिए बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं ने केस कर दिया तो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। और एक एग्जाम्पल हमने राहुल गांधी का देख लिया कि उन्होंने जब मोदी कम्युनिटी के बारे में उल्टा सीधा कहा तो आज तक उनके गले में वो फंसा हुआ है मामला। केजरीवाल ने भी जब उल्टा सीधा गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में बोला तो वो भी फंसे हुए हैं। तो इनको बात समझ में आ गई कि अगर इनको जो भी हंगामा तमाशा नाटकबाजी करनी है ये सदन के मंच पे करो, बाहर तो कर नहीं पाओगे, नहीं तो अब सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो गई है। तो ये हर मौका जो संसद में जहाँ पे भी इनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जहाँ पे भी इनके पास इम्यूनिटी है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए, ये उस पूरे फोरम का मिसयूज़ करने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे ये संसद हो। तो ये स्थिति है सर। और बाकी सोशल मीडिया का ज़माना है, लाइव टेलीकास्टिंग होती है, तो ये जनता की नज़रों में और खासकर इनके जो अपने सपोर्टर हैं उनकी नज़रों में ये बनना चाहते हैं कि देखिए हमने कितने जोर से लड़ाई लड़ी। तो इनकी ये लड़ाई वही है, गाली गलौज करो, हंगामा करो, तमाशा करो, डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन है उसको या जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है उसको डिसरप्ट करो। इनका विरोध वहीं पर ही रह गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव कुछ है नहीं, जो नए कानून आ रहे हैं उनमें इनका कोई योगदान नहीं है, कोई डिस्कशंस नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। प्लस इनको ये भी पता है कि अगर संसद चली और मोदी ने अगर 50 कानून और पास कर दिए तो उन 50 का क्रेडिट भी मोदी ले जाएगा। तो अब संसद चलेगी तो कानून पास होंगे, कानून पास होंगे तो क्रेडिट मोदी को मिलेगा, संसद नहीं चलेगी तो कानून पास नहीं होंगे तो मोदी किस बात का क्रेडिट लेगा। दूसरा, अगर हम संसद में हंगामा करते हैं तो हमारे को पब्लिसिटी मिलेगी। तो ये मानसिकता है जिसके कारण ये सब डिसरप्शन हो रहा है। आखिरी सवाल ये, केजरीवाल देर सवेर अगर गिरफ्तार होते हैं, ऑलरेडी सतेंद्र जैन चलिए हेल्थ कंडीशंस पर अंतरिम जमानत पर हैं, पर मनीष सिसोदिया तिहाड़ में हैं, संजय सिंह तिहाड़ में हैं, अरविंद केजरीवाल भी अगर तिहाड़ की यात्रा करते हैं, कितना बड़ा राजनीतिक इस आघात होगा और आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है? देखिए, दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे सोचना होगा, एक है आम आदमी पार्टी दिल्ली में और एक पंजाब में। बाकी जगह तो ये सिर्फ क्लब्स बने हुए हैं कि भाई 20-20, 50-50 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, या कुछ MLAs होंगे जो अपने दम पे जीत के आए हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये अरेस्ट होते हैं तो देखिए, मुझे ये लगता है पंजाब के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवंत मान और उनकी पार्टी प्लस उनका जो केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप चल रहा है, जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, वो उनको बचा लेगा और उनको काम करने में हेल्प करेगा, प्लस ब्यूरोक्रेसी वहाँ सपोर्ट करेगी। तो पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पंजाब आम आदमी पार्टी को ये सोचना है कि क्या वो नेशनल पार्टी के साथ रहे या अपने आप को स्प्लिट करके एक रीजनल पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश करे, ये उनको सोचना है। अब वो सोच पाएंगे या नहीं, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो पैसे मिलते हैं इनको पार्टी फंड के रूप में, क्या उसका कुछ योगदान है नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संभावना है कि जो आम आदमी पंजाब है वो अपने आप को इन लफड़ों से अलग कर ले और एक शांतिपूर्ण अपने राज्य को चलाएं केंद्र सरकार की गाइडेंस में और अपने ब्यूरोक्रेसी की गाइडेंस में, पंजाब की जनता का ध्यान रखें, पंजाब को तरक्की पर ले जाएं, क्योंकि पंजाब में बहुत संभावना है और चुनौतियाँ भी बहुत हैं। तो एक तो ये है, बाकी रहे छोटे मोटे ग्रुप, वो तो बरसाती मेंढक हैं, चुनाव होगा तो जाग जाएंगे, नहीं तो अपने अपने काम धंधे में लगे रहेंगे। समस्या है दिल्ली को लेकर और आम आदमी की कन्वीनर पोजीशन को लेकर। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में इन्होंने किसी भी एक
जो भी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये बात तो आप मान के चल लीजिए कि वो केजरीवाल का यस मैन ही होगा, वो केजरीवाल के खिलाफ जैसे कहते ना खड़ा हूँ लेके काम करेगा। उसका अपना कोई ना विवेक होगा ना स्पाइन होगा, वो जो भी होगा वो खड़ा हूँ के देख के काम करेगा। रही बात पार्टी की, हो सकता है कि अपनी मिसेज को वो आगे प्रमोट कर दें एज ए पार्टी लीडर, और पार्टी के पे कब्जा रहे। पार्टी पे कब्जा रहेगा तो अगले चुनाव में आप लड़ पाएंगे, बाकी काम कर पाएंगे। अगर पार्टी ही हाथ से निकल गई तो केजरीवाल सिर्फ एक कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे, और केजरीवाल की फितरत नहीं है कि वो कार्यकर्ता बन के काम करें। उनको चाहिए सत्ता, उनको चाहिए पावर, तो वो पावर और सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अब वो क्या क्या किस किस लेवल तक जा सकते हैं, जैसा किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ईडी का समन वो बाईपास कर देंगे, क्योंकि प्रावधान जब साफ है कि आप ही आपका प्रतिनिधि, ना आप गए ना प्रतिनिधि भेजा, आप नहीं जाते कोई बात नहीं, प्रतिनिधि जाता एक लॉजिकल बात थी, लेकिन आपने सम्मान को भी बाईपास किया और बोला विड्रॉ कर लो, जो इलॉजिकल था लेकिन किया उन्होंने। अब पार्टी में किसका कब्जा होगा वो तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है एक हिसाब से, तो वहाँ मैडम को भी बैठा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात सत्ता की, मुझे लगता है कि या तो वो किसी ऐसे आदमी को बैठाएंगे जो उनका एकदम पपेट हो, अगर वो नहीं हो पाए, वहाँ सत्ता संघर्ष चला, कुछ वैक्यूम हुआ, तो मुझे लगता है कि LG रिकमेंड करेंगे कि दिल्ली इस समय पॉलिटिकल वैक्यूम से गुजर रहा है, जब तक सिचुएशन स्टैब्लिश नहीं होती हमें राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो होम मिनिस्ट्री वो भी कर सकती है। तो ये स्थितियां हैं सर, अब देखते हैं आगे क्या। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार सर, धन्यवाद।